मेरे साथ वचन निकालेंगे दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, एक से लेकर 4 पद तक हम पढ़ेंगे, 1 से 4। इसके बाद मुआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मूर्तियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पास से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोमाग तक जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की फौज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। बस हालेलुया। यहाँ पर लिखा इस प्रकार से कि यहोशापात परमेश्वर का भय मानने वाला है, परमेश्वर का डर मानने वाला है और परमेश्वर का चुना हुआ राजा है, और आशा करके इसका पिता हुआ वो भी परमेश्वर का एक सेवक था, राजा था, इसराइल देश के ऊपर राज्य करता, यहूदा पर राज्य करने वाले लोग थे। और इस वक्त में यहोशापात राज्य कर रहा है, आशा राजा ने जो किया, आप याद रखना जो जो काम यहाँ पर बताए जा रहे हैं बाइबिल में, वो याद रखना फ्यूचर में इंसान के साथ होते रहते हैं। लिखा हुआ है जो आसा राजा ने काम किया वही काम इसके बेटे ने किया। योशा राजा, जो आसा राजा था वो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का डर मानने वाला, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर के अनुसार कार्य करने वाला, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला, परमेश्वर के भय में रहने वाला, परमेश्वर की प्रशंसा करने वाला, परमेश्वर की तारीफ करने वाला व्यक्ति था। उसी तरह ये भी ऐसा ही बन गया। जैसे माता पिता करेंगे, जैसे माता पिता कार्य को करेंगे, जैसे माँ बाप काम को करेंगे, जैसे भाई लोग काम को करेंगे, वैसे ही उनके बच्चे भी करेंगे। याद रखना माता पिता जिस कार्य को करते हैं वैसे ही उनके बच्चे भी काम को करते हैं। जैसे माता पिता काम को करते हैं वैसे उनकी औलाद उनके काम को करती है। अगर माता पिता गलत काम करेंगे तो औलाद भी गलत काम करेगी, अगर माता पिता अच्छे काम करेंगे तो उनके बच्चे भी अच्छे कार्य करेंगे। ये बात मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाइबिल के जो वचन है, यहोशापात भी ऐसा ही था। जब वो अपने माता पिता को अच्छे काम करते हुए देखता था तो वो भी अच्छे काम करने लगा था। यहोशापात से पहले और भी राजा है, आसा से राजा और भी पहले आए, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के अनुसार काम नहीं किया था, इसलिए उनके बच्चे बिगड़ गए, उनका राज्य खराब हो गया। लेकिन आसा ने परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम करता था और परमेश्वर के अनुसार जीवन को जीता था, जो जो ठीक लगता था परमेश्वर की नजर में वही काम किया करता था, और वही काम यहोशापात ने किया। यहोशापात परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, और यहोशापात का जो अर्थ होता है वो होता है कि परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने वाला है, परमेश्वर न्याय को करेगा और न्याय चुकाने वाला है। यहोशापात का राज्य 905 बीसी में शुरू हुआ यीशु मसीह से पहले, और उसका 849 तक राज्य चला। 45 साल की उम्र में उसने राज्य शुरू किया और 25 साल तक राज्य करता रहा। उसके राज्य में सुख शांति आराम चैन बना रहा, परमेश्वर उसके संग था और परमेश्वर क्या करता था, उसको हर जगह आशीष दिया करता था क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार काम करता था। अब ये बात राजाओं की किताब में लिखा हुआ है, अगर राजाओं की किताब पढ़ेंगे आप लोग, पहला राजा 24 अध्याय में जाएंगे, 41 पद में जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है जो आसा का बेटा यहोशापात था वो वही काम किया करता था जो उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया, उसके पिता ने किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वही वो काम करता था। तो उसी वजह से परमेश्वर ने उसको बहुत ही आशीष दिया। आज बहुत सारे लोग जेल में होते हैं, बहुत सारे लोग बंधुआई में होते हैं, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल के मारा पीटा जाता है। पास्टर्स लोगों की बात करो, विश्वासी लोगों की बात करो, बहुत सारे लोग परेशानी हो रहते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमें ना देखता नहीं है, परमेश्वर हमें सुनता नहीं है, परमेश्वर हम पर ध्यान नहीं देता, परमेश्वर हमारी सुधी नहीं लेता, परमेश्वर हमें नेगलेक्ट कर देता है, हमें नकार देता है, हमें ध्यान नहीं देता, क्योंकि मनुष्य की सोच ऐसी होती है। परंतु आप याद रखें परमेश्वर हर जगह उनके साथ रहता है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो यूसुफ था, यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, बेचने के बाद वो मिस्र देश में रहने लगा,
जब मिस्र देश में रहने लगा, वहां जो पोतीपर नाम का राजा था फिरौन, वहां का मिस्र का जो राजा था, उस राजा ने उठा के उसको जेल में डाल दिया। आपको कहानी पता है वो किस लिए डाला था, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसके ऊपर झूठा झूठा इल्जाम लगा दिया था कि ये मेरे साथ गलत रिश्ता बनाने के लिए, गलत सोने के लिए आया था। राजा ने उसकी बात मान के उसको जेल में डाल दिया। और लिखा हुआ है वहां पर 39 अध्याय उत्पत्ति में कि यहोवा उसके संग संग रहता था। जेल में हमारा परमेश्वर जेल में रहता है, हमारा परमेश्वर उस गड्ढे में भी था जब यूसुफ को डाल दिया था, जब वो बेचा गया तो हमारा प्रभु यीशु मसीह बेच दिया गया। तो आप याद रखें, आप किसी भी समस्या में रहेंगे, परमेश्वर आपके दुख में दुखी रहेगा, आपके खुशी में खुश रहेगा। जेल में भी यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था। हालेलुया। तो इसलिए आप चिंता ना करें कि भाई परमेश्वर में ध्यान नहीं देता, परमेश्वर आप पे ध्यान देता सबसे ज्यादा, क्योंकि आप उससे प्रार्थना करते। लिखा है यहोशापात जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ कार्य करता है, जो परमेश्वर की नजर में होता सबको ठीक है वो करता है, तो उसने क्या करा, वहां के सारे चीजों को सही करना शुरू कर दिया, सही करना शुरू कर दिया, आराम से रहना शुरू कर दिया। लिखा हुआ है कि उसे चैन पड़ गया, उसके पूरे कार्य में सुकून मिल गया, आराम मिल गया, तसल्ली मिल गई, तो वो भी रिलैक्स होकर सो गया। क्योंकि जब आराम चारों तरफ से मिल जाता है तो हम थोड़ा हट जाते हैं, किससे, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के कार्य से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की बातों से आप थोड़ा सा हट जाते हैं। यहोशापात परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की संगति में रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला, उसकी नजर से ठीक काम करने वाला व्यक्ति थोड़ा सा साइड में हो गया। यहां पर लिखा उसके बाद जब उसने ये कहा, इसलिए हिवा बांधकर काम करो, भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा हमेशा। उसके बाद लिखा हुआ है, इसके बाद मोआबी और अमोनियों ने और कई मुनियों ने एक योजना बनाई और एक रणनीति बनाई कि भाई यहोशापात के ऊपर युद्ध करेंगे, यहोशापात को हराएंगे, यहोशापात के ऊपर हम जयवंत होंगे, उसके राज्य को ले लेंगे, उसके राज्य में जितने भी जवान लड़के लड़कियां सबको गुलाम बना लेंगे, उसके राज्य में जितना धन सबको लूट लेंगे, उसके राज्य में जितना भी सोना चांदी सबको हम ले लेंगे, जितनी अच्छी फसल है सबको बर्बाद कर देंगे, जितना भी सारा अच्छा कार्य है, साड़ियां है, कपड़े सबको हम लेके अपने यहां पर रख लेंगे। उन्होंने योजना बनाई, योजना बनाई। कितने लोग थे यहां पर, मोआबी, अमोनी और मुनिया, जो मुनि लोग हुआ करते थे। मुनि ये ना सोचे जो ऋषि मुनि की बात नहीं की जा रही यहां पर, मुनि एक जाति है जो कि मोआब शहर में है, जो कि इज़राइल के चारों तरफ घूमती फिरती है, वो मोआबी वो मुनि लोग हैं। तो उन लोगों ने एक योजना बनाकर यहोशापात के ऊपर चढ़ाई कर दी। और लिखा यहोशापात को कुछ पता भी नहीं था, है ना। अब जैसा मान लीजिए कोई तुम्हें मारने पीटने आए और आपके घर के नीचे आके खड़ा हो जाए और तुरंत आपको विश्वासी या कोई भी आके आपसे कहे भैया नीचे 10 लोग खड़े हुए हैं डंडा लेके तुम्हें मारने के लिए, क्या होगा, डर आएगा नहीं आएगा, डर आ जाएगा, मुझे पता कैसे नहीं चला, मुझे बताया कैसे नहीं पहले, तुमने पहले क्यों नहीं बोला, तुम्हें बताना चाहिए था ऐसा। तो यहोशापात को पता ही नहीं था कि लोग मेरे विरोध में काम कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है। लिखा है कि यहोशापात के ऊपर चढ़ाई करें, तब कुछ लोगों ने आके यहोशापात से बात की, ताल के पार जो एदोम है उस देश की तरफ से तुझ पर कुछ लोगों ने चढ़ाई करी है ना, और क्या लिखा है कि तू बच के रह, ये बात यहोशापात को मालूम चली। अब यहां सारी बात आती है, भाई यहोशापात है कौन, यहोशापात जो है वो आप हो। हालेलुया। यहोशापात आप हो, राजा के चुने हुए लोग आप हो, परमेश्वर के चुने हुए आप हो, परमेश्वर के अभिषिक्त लोग आप हो, परमेश्वर के अनॉइंटिंग लोग आप हो, उसकी प्रजा आप हो। हालेलुया। यहोशापात कोई और नहीं है, यहाँ पर राजा आके कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पर यहोशापात तो दुनिया छोड़ के 849 एडी में बीसी में चला गया दुनिया छोड़ के, लेकिन यहाँ पर यहोशापात आप हो जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, जो उसके नबी लोग हो, जो उसके याजक लोग हो, जो उसके अधिपति लोग हो। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोल देंगे हालेलुया। हालेलुया बोलने से 3 बातें होती हैं, मैं बता देता हूं आपको, कोई बात नहीं है वो भी जाग जाएंगे। हालेलुया।
तीन बातें होती हैं। पहली बात, शैतान दरवाजे पर आता है, आकर सबको दिमाग में डालता है कि तू घर में कपड़े सुखा कर आई थी, वो वही रखे हैं, उन्हें उतार रहे हैं। वो कहते हैं हाँ बारिश आने वाली है ना। और जो आदमी लोग होते हैं, यार आज मुझे वहां ना काम पैसे देकर वो खरीदना था, माल खरीदना था, वो मुझे इकट्ठा करवाना है, हाँ तुझे पैसे देने थे, तो दिमाग में आके डालता है। उसके बाद जब दिमाग में डालेंगे, इधर उधर की बातें चलेंगी, तो क्या होगा, आप सोने लग जाओगे, नींद आना शुरू हो जाएगी। आप ये सोचते हैं ये सब मुझे कैसे होता है, मैं भी कभी कभी सोता हूँ, हालेलुया, मैं भी पीछे बैठे बैठे कभी मुझे भी नींद आना शुरू हो जाती है, तो मैं भी बोलता हूँ हालेलुया जोर से। तो आपको क्या होगा, नींद से भगाने के लिए हालेलुया बोलना जरूरी है, हालेलुया, शैतान भाग जाता है। फिर परमेश्वर की स्तुति होती है। दूसरा, यह हालेलुया बोलने से आपको खुद को सामर्थ्य मिलती है। डॉक्टर लोगों के पास जाते हैं दवाई खाने के लिए, जाते नहीं जाते, लोग जाते हैं क्योंकि दवाई से हमारी बीमारियां ठीक होती हैं, दवाई से हमें ताकत मिलती है। कोई साफी पीता है, कोई स्ट्रॉन्ग डिटॉक्स की चीजें खाता है, कोई कुछ खाता है, क्यों, ताकि ताकत मिले। परमेश्वर की जो वचन है वो हमें ताकत देता है, हालेलुया जो होता है वो हमारे जीवन को तंदुरुस्त करता है, हमें नया बल दे देता है, हालेलुया। इसलिए हालेलुया बोलना जरूरी, हालेलुया। लिखा है साफ तौर पर, यहोशापात जो था वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, यहोशापात को परमेश्वर ने चुना। और लिखा हुआ पहले पत्रस में लिखा हुआ साफ तौर पर कि तुम चुना हुआ वंश हो, राजपद अधिकारी हो, याजकों का समाज हो, लेवी के वंशज हो, राजाओं के वंशज हो, और तुम क्या हो, महाअधिकारी के पुत्र हो। यहोशापात आप हो, कोई और दूसरा नहीं। हालेलुया, आप यहोशापात हो, परमेश्वर ने आपको चुना है। और यहोशापात को परमेश्वर ने इकट्ठा, मजबूत और शांति दिया, चारों तरफ से उसको आराम दे रखा था। परमेश्वर ने आपको यहोशापात की तरह चुना है, और आज लोग चारों तरफ से आपके लिए पाती बांध सकते हैं, आपको गिराने के लिए कर सकते हैं। संसार की दुविधाएं आ सकती हैं, संसार की बातें आ सकती हैं, संसार का बोझ आ सकता है, संसार का डर आ सकता है, संसार की चिंता आ सकती है, हालेलुया। संसार के मुनि, संसार के जो लोग मुआबी लोग होते हैं, मुआबी का मतलब होता है जो शारीरिक चीजें हैं, शारीरिक कमजोरियां हैं, शारीरिक दुर्बलताएं हैं, शारीरिक अभिलाषाएं हैं, शारीरिक जो बेरोजगारी है, शारीरिक जो संसार की दुविधा परेशानी जीवन में आ सकती है, वो डर यहोशापात के अंदर आ गया। जब मुनियों ने कहा चलो इसके ऊपर युद्ध करेंगे, मैं आपको बता दूं ये डर जो होता है इंसान को बहुत अच्छी जगह लेके जाता है। यहोशापात आप हो, जब ये संसार की बातें हमारे जीवन में आती हैं, हम भी डर जाते हैं, हम भी डर में जिंदगी जीने लग जाते हैं। मेरा काम का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना, इतने सालों से मैं आ रही हूँ मेरे बच्चे नहीं हुए, इतने साल से मैं आ रही हूँ मेरा पति नहीं सुधरा, मेरे पति शराब नहीं छोड़ी। अभी मैं एक और गवाही बता देता हूँ। अभी हमारे हमारे इधर मतलब हमारे एरिया में एक भाई की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में जवान था, विश्वास में था, तो उसके घर वाले कहने लगे भाई ये तो मर कैसे गया, तुम तो प्रभु पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। मैंने भाई यीशु मसीह वाले मरेंगे नहीं क्या, वो जिंदगी भर अमर रहेंगे, यीशु मसीह खुद मर गया, सही बात नहीं, गलत तो नहीं है भाई साहब, यीशु मसीह मरा नहीं, मरा यीशु मसीह खुद मर गया, जब वो मरा तो हम भी मरेंगे, और जैसे वो जी उठा हम भी जी उठेंगे, हालेलुया। दो बातें है ना, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले अमर नहीं है, वो पहले मरेंगे, उनको आस पड़ोस के लोग मारेंगे, उनको कोई और मारेगा, कोई आके तलवार से मार सकता है, कोई डंडों से मार सकता है, कोई तुम्हें जेल खाने में डाल सकता है, सब मरेंगे। मैंने भाई विश्वास करने वाले मरेंगे, गैर विश्वासी मरेंगे, लेकिन जो गैर विश्वासी मरते हैं उनके पास कोई आशा नहीं है कि वो स्वर्ग में जाएंगे। वो ये कहते हैं कि वो जहां कहीं भी होगा ठीक ही होगा, लेकिन हम जब मरते हैं तो हम ये कहते हैं वो स्वर्ग राज्य में गया होगा, हालेलुया, स्वर्ग राज्य में होगा, हमारे पास आशा है, और किसके पास आशा नहीं है। मैंने उनको बोला भाई ऐसा जो चला गया चला गया, कल को मेरे पिताजी भी जाएंगे मैं भी जाऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं स्वर्ग राज्य में जाऊंगा, हालेलुया। यहां पर साफ तौर पर लिखा यहोशापात ने जब ये सुना कि लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं वो डर गया। एक विश्वासी के पांच बातें बता रहा हूं मैं आपको, वो पांच बातें हर विश्वासी को करनी चाहिए, हर एक सेवक को, सेविका को, मुझे, हम सबको करने की आवश्यकता है, लेकिन हम करते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, हालेलुया। एक विश्वासी को पांचों बातों में अपने जीवन को निर्वाह करने की जरूरत है। जब यहोशापात डर गया, जब आपके पास डर आए,
जब आपके पास परेशानी आ जाए, जब आपको डिप्रेशन हो जाए, जब आप निराश हो जाए हर काम से, प्रार्थना ना सुनी जा रही हो आपकी, काम ना बन पा रहा हो आपका, घर ना बन पा रहा हो आपका, पति प्रार्थना में आने के लिए मना कर रहा हो, वो कह रहा हो कि मैं प्रार्थना में नहीं आऊंगा, शराब नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको मारूंगा पीटूंगा, कुछ नहीं करना आप। लिखो चार पद में, तीन पद में क्या लिखा हुआ है? तब यहोशापात डर गया। जब आप डर जाओगे, जब आप घबरा जाओगे, जब आप व्याकुल हो जाओगे, जब आप चिंतित हो जाओगे, जब आप टेंशन में आ जाओगे, जब आप बेरोजगारी में फंस जाओगे, जब आप अंदर से टूट जाओगे, जब आप अंदर अंदर रोते रहोगे, कुड़ते रहोगे, तब ये काम आपने करना। हाँ जी बढ़िए। तब यहोशापात डर गया और यहोवा के खोज में लग। बस आपको कुछ नहीं करना। जब आपके अंदर डर सताए, जब आपके अंदर बोझ सताए, जब आपके अंदर कमाई का पैसे ना आने का डर सताए, तब आपको परमेश्वर खोज में लगना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर खोज में लगना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर की संगति में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर से हमें मेल मिलाप रखना है और परमेश्वर की संगति में जाके वचन को पढ़ना। लिखा यहोशापात डर गया, डरने के बाद में वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। हालेलुया। कभी डर परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाता किसी को? नहीं। मान लो किसी को कैंसर हो, डॉक्टर ने बोला भाई तुम एक महीने के मरीज हो, तो क्या करेगा? सारे पड़ोसियों को, भाई बहन सबको बुलाएगा, भैया मैं जाने वाला हूँ, जाने सबको ना पार्टी वार्टी करेगा कि बोले मेरी लास्ट इच्छा है। अगर उसने दारू पीनी छोड़ दी होगी, ध्यान सुनना, अगर उसने दारू पीनी छोड़ दी होगी ना, तो वो कहेगा मेरी लास्ट इच्छा है कि वह मुझे दारू पिलाओ। क्यों? क्योंकि मैं अंत में पीकर जाना चाहता हूं, उसकी मर्जी ये है। जब तुम्हें डर सताए कि कैंसर ठीक नहीं हो रहा है, प्रभु यीशु करीब आ जाओ। हालेलुया। जब तुम्हें डर सताए कि भाई मेरे परिवार में ये हो रहा है या मुझे ये परेशानी है, तो प्रभु के करीब हो जाओ। जब आपको डर सताए कि मैं स्टेज पर आके वचन नहीं सुना पाऊंगा, तो प्रभु के पास जाओ, प्रभु जी मुझे बोलने की हिम्मत दे ताकि मैं उन लोगों के सामने बोल सकूं। हालेलुया। अब ये बताओ, बच्चों को सिखाने के लिए कौन सिखाएगा वचन? पादरी साहब थोड़ी सिखाएंगे, यहाँ लीडर्स थोड़ी सिखाएंगे, कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? आप लोग भी नहीं सिखा सकते, जो उसके माँ बाप वही सिखाएंगे। कौन सिखाएगा? माँ बाप सिखाएंगे। जो आशा राजा ने किया वही यहोशापात ने किया। आशा राजा वचन को पढ़ता था, यहोशापात ने पढ़ा। आशा राजा प्रार्थना करता था, यहोशापात ने भी किया। आशा राजा ने परमेश्वर के वचन की व्यवस्था सबको बताई, यहोशापात ने भी बताई। मैं वही बताना चाहता हूं कि जो जो काम आप करोगे, योर बच्चे भी करेंगे। आप खुद सोचेंगे, क्योंकि हम जब धन्य लोग हैं, जब आशीषित लोग हैं, जब धीरज धरने वाले लोग हैं, जब प्रार्थना करने वाले लोग हैं, संगति करने वाले लोग हैं, आपके बच्चे वही करते चले जाएंगे। जब आपको डर सताए, मैं आपको बताऊं मेरे भाई और बहनों, डर सताए, जब आप परेशानी में हो जाएं, जब आप संसार की सारी समस्याओं से हार जाएं, जब आप अभिलाषाओं में फंस जाएं, जब आपको ये डर सताए कि मुझे वहां जाना और मेरा काम नहीं बन पाएगा, परमेश्वर करीब आ जाए। हालेलुया। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हो कि परेशानी में, दिक्कतों में हो, और आप परमेश्वर करीब आए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन के यहोशापात की तरह आपको उठा देगा। लिखा हुआ है कि यहोवा की खोज में लग गया। कौन? यहोशापात। यहोशापात तो हमारे जैसा राजा, हमारे जैसा गरीब नहीं था, या हमारे जैसा मीन्स कमजोर नहीं था, वो बहुत धनवान था, बहुत ही पैसे वाला था, बहुत ही ऊंची ऊंचे लोग थे, वो राजा थे, वो प्रभु की उपस्थिति में लगे। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की जरूरत है, हमें भी यहोवा की खोज में लगने की जरूरत है, क्योंकि जब हम परमेश्वर यहोवा खोज करेंगे, तो मेरे भाई और बहनों याद रखें, परमेश्वर खुद चलकर आएगा और आपको आत्मिक तौर से, शारीरिक रूप से और परमेश्वर की सामर्थ्य से वो बनना शुरू कर देगा। एक और राजा था, हालेलुया, एक और राजा था, उसका नाम था हिजकिया। हिजकिया राजा, लिखा है कि उसको सहनेबीर करके एक सेनापति हुआ और वो उसको मारने के लिए आया। उसके बाद 2 लाख सिपाही थे, 2 से 2.5 लाख सिपाही थे, उसके साथ इतने लोग चला करते थे।
और जब हिजकिया राजा को मालूम चला कि उसने यहूदा को ले लिया है, नीनवे शहर को ले लिया, अब वो यरूशलेम पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, तो उस व्यक्ति ने, हिजकिया राजा ने सारा सोना चांदी भर के उसके पास भेजा और कहा कि भाई ये पैसे ले और वापस चला जा। उस सैन्यवीर ने, जो सेनापति था, उस व्यक्ति ने उसकी बात नहीं मानी और अपने लोगों को भेजा और जाकर कहा कि उसको बोल, वो किस व्यक्ति पर विश्वास करता है जो मेरे सामने आकर झुका नहीं, मेरे सामने आके उसने गिड़गिड़ाया नहीं, मेरे सामने आके उसने मांगा नहीं कि मेरे देश को छोड़ दे, वो किस पर विश्वास करता है? क्या उसका यहोवा परमेश्वर नीनवे शहर को बचा पाया? क्या यहूदा को बचा पाया? क्या उस शहर को बचा पाया? नहीं, तो उसको कैसे मेरे हाथ से बचा लेगा? हालेलुया। सैन्यवीर जो कि सबसे बहादुर सेनापति था और वो व्यक्ति यरूशलेम शहर के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, वो भी हिजकिया के ऊपर, ये चिट्ठी जब उसने सुनी, मेरे भाइयों मैं बता दूं आपको, वो मंदिर में गया, परमेश्वर के मंदिर में गया और वहां जाकर रो रो के प्रार्थना करता है और कहता है प्रभु इससे तू ही बचा सकता है। हालेलुया। जब उसने ये प्रार्थना करी इससे तू ही बचा सकता है, लिखा है साफ तौर में इतिहास में और राजाओं में, उसी रात को स्वर्गदूत निकला और 185,000 लोगों को मार दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये किसने मारा? परमेश्वर ने करा। क्या हिजकिया राजा एक बार में 1,00,000 लोगों को मार सकता था? नहीं मार सकता था। क्या वो 50,000 को मार सकता था? नहीं मार सकता। क्या आप में से हैं जो हरा सकते शैतान की शक्तियों को? नहीं हरा सकते। लेकिन परमेश्वर है जो 180,000 लोगों को मार सकता है, जो परमेश्वर जो 185,000 को मार सकता है, परमेश्वर जो 2 करोड़ को भी खत्म कर सकता है, परमेश्वर जो पूरे संसार को खत्म कर सकता है, परंतु परमेश्वर मारता नहीं है, वो उनको बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा हुआ। इसीलिए परमेश्वर आपको चुना है ताकि आप शैतान की हर शक्ति के ऊपर जयवंत हो जाओ और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। वो जो डर था हिजकिया राजा को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके गया, वो डर परमेश्वर की उपस्थिति में जाके वो निकल गया। वो जो चिट्ठी सैन्यवीर ने डाली थी राजा के लिए, परमेश्वर ने सुन ली और परमेश्वर ने खुद काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मेरे भाइयों मैं क्यों बता रहा हूं आपको, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, जब आप परमेश्वर खोजेंगे, जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाके अपने आप को रखेंगे, परमेश्वर खुद आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। कोई है जो आपके लिए काम कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं मान लीजिए आपके साथ बैठा हूं, मान लीजिए मैं आप विश्वास से घर पे बैठा हूं और मैं आप में से कह दूं भैया आप वहां दुकान पे चले जाओ, वहां पर क्या करना, उनसे लड़ना है आपने, उनको आप थोड़ा पीट पाट के आ जाओ, तो आप जाओगे? नहीं जाओगे। मेरा ढूंढा ढांडी करोगे कि भाई क्या काम है। लेकिन परमेश्वर कर देता है। आपने प्रार्थना की प्रभु जी वो व्यक्ति बहुत बीमार हो रखा है, प्रभु जी वो व्यक्ति बहुत परेशान हो रखा है, प्रभु क्या करे, आपकी प्रार्थना सुन के ठीक कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे मेरे भाइयों बहनों, आज लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढते, आज लोग परमेश्वर के करीब नहीं आते, आज लोग अन्य बातों को ढूंढते हैं, आज ये ढूंढते हैं कि अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज ये ढूंढते हैं कि पैसे वाला लड़का कैसे मिलेगा, आज ये ढूंढते हैं कि दहेज में क्या दिया जाएगा, आज ये ढूंढते हैं कि नौकरी कैसे प्राप्त करेंगे, आज ये ढूंढते हैं कि बड़ा चर्च कहां मिलेगा, मीन्स जहां पर सब कुछ लगा हो, आज ये ढूंढते हैं कि हम बड़े लोगों से कैसे मिले, आज ये लोग ढूंढते हैं कि कैसे हम जाके ऊंची पदवी पर पहुंचे, कैसे हम डॉक्टर बन जाएं, कैसे हम इंजीनियर बन जाएं, बनते भी हैं, परमेश्वर को ढूंढने के लिए उनके पास टाइम नहीं, लेकिन जो परमेश्वर को ढूंढते हैं उनका काम खुद में खुद होता चला जाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा। आप ये सोचते हैं कि भाई हर हफ्ते हम आते हैं हमें सिखाया जाता, आपके अलावा किसी और को हम सिखाएंगे भी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि आप ही लोग हो परमेश्वर जिनको हम सिखा सकते हैं, बाहर वाला कोई सुनेगा नहीं, बाहर वाला सीखने ही नहीं चाहेगा। 40,00,000 से भी ज्यादा लोग थे इसराइली जो मिस्र देश से निकले थे, परमेश्वर किन से बातें करता था? उन सब से बातें करता था। कभी उसने जाके फिरौन राजा से बोला कि चल भाई तू मेरे साथ चल? नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने फिरौन राजा से कोई बात नहीं करी, इसराइलियों से बातें करता था क्योंकि वो उसके लोग थे।
आप लोग परमेश्वर के लोग हो, आपको ही सिखाया जा सकता है, आपको ही बदला सुधारने की बात की जाएगी, आपको ही बताया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हर साल हम हर संडे जाते हैं, हर कलीसिया में हर मीटिंग में, तो हमें क्यों सुनाया जाता है? क्योंकि आप हो जो पूरे देश को बदल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एबा ताली बजा ले परमेश्वर की महिमा करें। यहोशापात डर गया, हिजकिय्याह भी डर गया। यहोशापात जब डर गया तो परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। मेरे भाइयों बहनों, आपको भी यही काम करना, पहला काम आपको यही करना कि आपको भी हर रोज प्रभु की उपस्थिति में जाना है, आपको भी हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, आपको भी हर रोज वचन पढ़ के परमेश्वर के साथ बैठना है, परमेश्वर की संगति में रहकर प्रभु का धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। और अपने बच्चों को भी सिखाना है। याद है कि जैसा आप करेंगे वैसे ही आपके बच्चे भी सीखेंगे। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो बच्चे भी पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आप बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, तो बच्चे फोन पे बात करते रहेंगे। जैसे आप करोगे वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी करते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों को सुधारना मेरा हम लोगों का काम है। यहोशापात को सुधारने का काम था आसा राजा का। आसा राजा ने उसको ऐसी शिक्षा दी, वो डर में, मुसीबत में, परेशानियों में केवल परमेश्वर यहोवा पर ही विश्वास करता था। वो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करता था और उसी के समीप वो गया। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। पहली बात आपने सुन ली कि जब आपको कोई परेशानी सताए, जब आपको बोझ सताए, जब आपको आपकी यादें सताए, आपके बुजुर्गों की यादें सताए, जब आपको कोई ऐसी समस्या सताए जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ ना करो, प्रभु के करीब चले जाओ, परमेश्वर आपको रास्ता बताए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ कि एक बार इज़राइली लोगों को निकले, वो बहुत साल हो गया, वो लोग यशायाह से कहने लगे, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है, परमेश्वर हम पे ध्यान नहीं देता, हमारे करीब नहीं आता, हमें भूखा मारता है, गुलामी में लेके चला जाता है, कभी नबूकदनेस्सर राजा के अधीन, कभी फिरौन के अधीन, कभी उसके अधीन, कभी मुआबियों के अधीन, कभी पलस्तियों के अधीन, क्या करता रहता परमेश्वर, हम पर ध्यान नहीं देता, है ना। ये सब उनकी चिंताएं थी, हमें परेशानी करता रहता है, परमेश्वर हमें निकाल के क्यों लेकर आया वहां से, इस सच हम गुलामी में ठीक थे, वहीं अच्छे थे। परमेश्वर ने उनसे एक बात कही, यशायाह में लिखा है साफ तौर पे, इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक माँ अपने दूध पिए हुए बच्चे को क्या कर सकती है, भूल सकती है। ऐसा लिखा हुआ है, एक माँ अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे चित्र को अपनी हथेली में खोल कर बनाया हुआ है, तेरी सहरपना मेरी दृष्टि के सामने हमेशा बनी रहे। हालेलुया, परमेश्वर ने यह कहा कि तेरी सहरपना तू मेरे सामने हमेशा बना रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे चित्र को हथेली में खोद कर बनाया हुआ है। अब सोचिए, यहां पर लिखा हुआ है कि यहोशापात डर गया था, लेकिन यहोशापात यह भूल गया कि मेरा चित्र उसकी हथेली में बना हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, आपका चित्र, आपका नाम तो पूरे संसार का लिखा हुआ है, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनका नाम लिखा हुआ सबसे ज्यादा है वहां पर। हथेली में जो गंदे लोग होते हैं ना, उनका नाम कभी नहीं लिखा रहता, लिखा उनका भी लेकिन वो मिटा हुआ रहता है, लेकिन जो लोग आप परमेश्वर विश्वास करते हैं उनका नाम ऊपर रहता है लिस्ट में। अच्छा, ये बहन ऐसी, अच्छा ये बहन, ये भाई, लिस्ट में नाम है। परमेश्वर ने आपके नाम को रख रखा है हथेली पर, और आपसे वो प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।